सो हेयर वी हैव द मीडियल सर्फेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब इसमें सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है वाइट मैटर का हमारे पास बंच, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस्कुलरम, जो हमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास ये पड़ा हुआ है सेप्टम पेल्यूसीडम, दिस इज़ द सेप्टम पेल्यूसीडम। उसके बाद हमारे पास ये पड़ा हुआ है हमारा थैलेमस, ये हमारे पास दूसरे पार्ट्स हैं, थैलेमस है। देन हमारे पास यहाँ पे सब थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे एपिथैलेमस है हमारे पास। उसके यहाँ एपिथैलेमस होगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास सब थैलेमस होगा। ये हमारे पास नीचे हमारा ब्रेन स्टेम पड़ा हुआ है। तो अब हम आते हैं हमारे पास बेसिक फीचर्स पे, जो हमारे पास हमारे मीडियल सर्फेस में मिलते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को ये जो पार्ट मैंने है ये यहाँ पे निकाला हुआ है। सो इस पिक्चर पे गौर करते हैं, ये हमारे पास कॉर्पस कैलोजम हो गया, और ये हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा सेप्टम पेल्यूसीडम हो गया। अब हम आते हैं इस पे कि इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर एक बिल्कुल हमारे पास हमें एक सल्काय नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोसल सल्काय। और उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर इसके जा रहा है ये वाला, दिस इज़ द सिंगुलेट सल्काय। इन दोनों सल्काय के बीच में जो गायराएँ हैं वो है हमारे पास सिंगुलेट गायरस, सो दिस इज़ द सिंगुलेट गायरस। अब हमारे पास जो मेन नोटेबल पॉइंट है कि दिस इज़ द हमारे पास ये था हमारे पास हमारा सिंगुलेट सल्काय। सिंगुलेट सल्काय दो जगह पे अपटर्न करता है, एक करता है ये थोड़ा सा यहाँ पे मीडियली अपटर्न, और आगे जाके ये थोड़ा सा ऊपर अपटर्न करता है। तो दो ये अपटर्न लेता है, और इन दो अपटर्न्स के बीच में जो एरिया हमारे पास आता है वो होता है हमारे पास हमारा पैरासेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, पैरासेंट्रल लोब्यूल की पेक्यूलरिटी क्या होती है कि ये देखें, दिस इज़ द पैरासेंट्रल लोब्यूल इन दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सेंट्रल सल्काय, सॉरी दिस इज़ द सेंट्रल सल्काय। अब सेंट्रल सल्काय यहाँ पर आ रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास इस पैरासेंट्रल लोब्यूल में आ रहा है। तो द पार्ट बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दिस सेंट्रल सल्काय इन द पैरासेंट्रल लोब्यूल हैज़ द सेंसरी इनर्वेशन, एंड द पार्ट आफ्टर इट हैज़ द मोटर इनर्वेशन। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, द पार्ट एंटीरियर टू इट हैज़ द मोटर वंस, एंड द पार्ट पोस्टीरियर टू इट हैज़ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। एंड दिस पैरासेंट्रल लोब्यूल इज बेसिकली द हाइएस्ट सेंटर फॉर द मैचुरेशन एंड डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, बिकॉज यहाँ पे जो सेंसरी आते हैं ना सिग्नल्स, वो आते हैं हमारे पास हमारे मैचुरेशन के भी, और जो है ना हमारे पास हमारे डेफिकेशन के, और जो यहाँ से मोटर जाते हैं एंटीरियरली से, वो भी हमारे पास इसके लिए ही जाते हैं मोस्टली। उसके बाद हमारे पास हमारा ये पड़ा हुआ है, दिस इज़ द मीडियन, हमारे पास मीडियल फ्रंटल गायरस है, ये हमारे पास मीडियल फ्रंटल गायरस दिस वन। और उसके अलावा हमारे पास जब हम आते हैं तो हमारे पास पोस्टीरियरली जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो और सल्काय होते हैं, दिस वन इज़ द पैराइटो फ्रंटल, सॉरी पैराइटो ऑक्सीपिटल गायरस, जो हम लोगों ने देखा था कि आगे भी एक्सटेंड कर रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये हमारे पास हमारा कैलक्रेन सल्काय होता है, जो आगे एक्सटेंड कर रहा था। और इसके अलावा इन दो सल्काय के बीच में ये जो एरिया है ये हमारे पास है क्यूनियस, और इसके अलावा ये जो एरिया पड़ा हुआ है इन दोनों के यहाँ पे, दिस इज़ द पैरा क्यूनियस, दिस इज़ द क्यूनियस, दिस क्यूनियस, दिस इज़ द हमारे पास हमारा पैरासेंट्रल गायरस, ये मीडियल फ्रंटल गायरस। अब हमारे पास बचता है ये रीजन, दिस इज़ द लिंगुअल गायरस, जो हमारे पास कैलक्रेन सल्कस के बाद पड़ा हुआ है। और अच्छा, एक और बात, ये जो हमारे पास दो सल्काय हैं ये दोनों देखें नीचे जाके कंटिन्यू हो रहे हैं, और यहाँ पे हिप्पोकैम्पल गायरस में जो हम लोग इन्फीरियर सरफेस में पढ़ेंगे उसके साथ कंटिन्यू हो जाते हैं। और जहाँ पे ये दोनों कंटिन्यू हो रहे हैं इस पैराहिप्पोकैम्पल गायरस के साथ, इस पार्ट हम लोग बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, सो दीज आर ऑल द नोटेबल पॉइंट्स अबाउट द, अच्छा एक और चीज़ कि ये जो हमारे पास दिस रीजन जो हमारे पास ये थोड़ा सा उभरा हुआ रीजन है, दिस इज़ द इनकस। ठीक है, ये आप लोग ज़्यादा हम लोग इन्फीरियर सर्फेस में देखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्फीरियर मीडियल सर्फेस सेरेब्रल गायरस सेरेब्रल हेमिस्फीयर।